Hello, student. I, Doctor Archana Singh, welcomes you all to my educational channel. Today, I will discuss about ectopic pregnancy, its definition, etiology, investigations, and management. We'll see one by one. First, we'll see the definition of ectopic pregnancy. When a fertilized ovum implants and develops outside the normal uterine cavity, it is called ectopic pregnancy. तो जो जॉर्मल यूटराइन कैिटी है उसको छोड़ के कहीं और पे इम्प्लान्ट हो जाता है सर्विक्स में डोमिन में फेलेपियन ट्यूब में या कहीं और भी बाहर तो उसको बोलते हैं एक प्रेगनेंसी साइट ऑफ इम्प्लान्टसन कहाँ कहाँ पे इम्प्लान होता है यूट्राइन के यूट्राइन मतलब जो नॉर्मल यूट्राइन कैविटी है उसको छोड़ के बाहर में कहीं जैसे सर्विक्स में हो सकता है एंगुलर रीजन में या कार्नोवल रीजन में या एक्स्ट्रा यूट्राइन यूट्रस के बाहर कहीं पर फेलोपियन ट्यूब में हो गया जैसे फेलोपियन ट्यूब में सब कॉमनिस्ट है यहाँ इसके चारों पार्ट इंटरस्टिशियल स्थमस इस इसथमस या एम्पुला किसी रीजन में हो जाए या ओवेरी में या एब्डोमेन में दिस इज द साइट तो यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज द डायग्राम ऑफ द नॉर्मल यूट्रस तो यूट्रस का ये देख लेते हैं ये सर्विस का पार्ट है तो ये जो पूरा अंदर की कैविटी है इसका जहाँ इंटरनल आस के ऊपर का पूरा जगह है यहाँ पे अंदर में कहीं पे इम्प्लांट होता है दैट इज द नॉर्मल इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी इसको छोड़ के बाहर में सर्विक्स में इम्प्लांट हो जाए या ये आपका फेलोपियन ट्यूब है यहाँ पे इम प्लांट हो जाए या यहाँ ओवेरीज है दोनों साइड में फेलोपियन ट्यूब ओवेरी कहीं और पे इम्प्लांट हो जाए या एबडामिन पे किसी रीजन में दैट इज कॉल्ड द एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमनस होता है फेलोपियन ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो हम देखते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी के क्या क्या कॉजेज होते हैं तो जैसे हम जानते हैं कि फर्टिल ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब के रीजन में तो वहाँ से इम्प्लानशन होने के बाद वो कुछ दिन तक चार पाँच दिन में धीरे धीरे मूव करके वहाँ से यूट्राइन कैविटी में आके वहाँ यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट होता है बट ऐसे कुछ फैक्टर जो उसको वहाँ से मूव ना करने दे वहीं पर इम्प्लान्ट कर दें तो इस कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं पहला फैक्टर्स है जो कि फैक्टर्स डिलेइंग या प्रिवेंटिंग माइग्रेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम टू द यूट्राइन कैिटी तो उसमें फर्स्ट कॉमन होता है, काज है पी आई डी पेल्विक इन्फ्लामेट्री डिजीजे इसमें क्या होता है जो एल्फेलपियन ट्यूब की लाइनिंग एपिथिलियम की सीलिया है वो लॉस हो जाती है और जो मस्कुलर पेरिस्टालसिस होती है वो इम्पेयर हो जाती है जिसकी वजह से वो वहाँ से मूव करके ट्रेन कैटिन प्रॉपर नहीं आ पाता या जो पी आई डी की वजह से ट्यूबल ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है पॉकेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है या ट्यूब में अंदर में एडहेशंस पेरी ट्यूबल एडहेसेंस हो जाता है एंड क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस इन्फेक्शन ये मोस्ट कॉमन इस फैक्टर होता है तो अगर ये सब हो जाता है तो क्या होता है इसकी वजह से मूवमेंट फर्टिलाइज ओवम का ट्यूब से इंट्रायोटैन कैविटियम नहीं हो पाता है या हाइट्रोजेनिक कुछ काज हैं जैसे कंट्रासीप्शन फेल्योर इंट्रायोटैन कंट्रासेप्टिव डिवाइस कॉपर्टी मल्टीलोड ऐसा कुछ लगाए उसका फेल्योर हो जाए उसके साथ प्रेगनेंसी हो जाए या स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन जैसे लैप्रोस्कोपिक या ट्यूबल लाइगेशन हो जाए या यूज ऑफ द प्रोजेस्टान ओनली पिल्स या पोस्ट कोइटल प्रोजेस्टान इसका यूज कर रहे हैं या ट्यूबल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज पहले हो चुकी है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक का यूज हुआ हुआ, हुआ फर्टिलाइजेशन के लिए या कुछ प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही हो प्रीवियस इंड्यूसड एबॉर्शन हुआ हो या डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो फेलोपियन ट्यूब में तो ये सब फैक्टर्स क्या करते हैं कि फ़र्टिलाइज ओवम को फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में उसको मूव नहीं करने देते या कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जो वहीं पे जहाँ पे वहीं पे उसको इम्प्लान्ट करने में हेल्प कर देते हैं इम्प्लान कर देते हैं जल्दी से जैसे इसमें मेन काज होता है प्री मेच्योर डी जनरेशन ऑफ़ द जोना पैलोशीडा इससे क्या होता है अर्ली रिजम्पन ऑफ द ट्रोफोब्लास्टिक एक्टिविटी और फेलोपियन ट्यूब में जहाँ पे वहीं पे ये इम्प्लान्ट हो जाता है या ट्यूबल एंडोमेट्रियास या इंक्रीज डेडल रिएक्शन हो तो इसकी वजह से क्या होता है ये ट्यूब में ही इम्प्लान्ट हो जाते हैं मोड ऑफ टर्मिनेशन मतलब जब एक बार फिलिपियन ट्यूब में वो ग्रो करके गया इम्प्लांट हो गया ग्रो कर रहा है तो उसका फेट क्या है कहाँ पे जाता है क्योंकि ये जानते हैं कि फिलिपियन ट्यूब जो होता है वो अनफेवरेबल इन्वॉर्मेंट है वहाँ पे फेवरेबल जैसे इतना उसका इलास्टिक नहीं होता डिस्टेंसाइल नहीं होता कि वो वहाँ पर ग्रो कर सके फिटस तो वहाँ पर क्या होता है अर्ली इंटरप्शन ऑफ द प्रेग्नेंसी विद इन सिक्स टू एट रेयर केसेस में ये ग्रो कर जाता है पूरा या तो ये ट्यूबल मोल बन जाता है तो ट्यूबल मोल जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी uh, में मोल बनता है वैसे ही ट्यूबेल मोल भी बन जाता है तो ट्यूबल मोल में क्या होता है जैसे uh, ये जो रिप्टेड स्मॉल हिमरेज होता है कोरियो कैप्सुलरी स्पेस uh, में तो उसे क्या होता है जो विलई अटैच है वो सेपरेट हो जाता है सेपरेट हो के वहाँ पे uh, ट्यूबल मोल बना देता है या फिर ट्यूबल एबॉर्शन वह वहीं से जैसे नॉर्मल एबॉर्शन होता है तो वहाँ से एबॉर्ट होके बाहर निकल जाता है या फिर ट्यूब को जहाँ पे ग्रो कर रहा वहीं पे ग्रो करके ट्यूब को रप्चर करके बाहर आ गया या ट्यूबल परफोरेशन ट्यूबल परफोरेशन धीरे धीरे स्लोली स्लोली जो वहाँ पर जगह वहाँ पर छोटा सा परफोरेट होगा और वहाँ से पूरा का पूरा, पूरा आ, ओम निकल के कहीं और जाके ग्रो करता है या रेयर कंडीशन में क्या होता है कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी तो अब जो इसमें ट्यूबल मोल बने हैं ट्यूबल मोल क्या होगा या तो कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाएगा वहीं जहाँ पे वो छोटा सा एब्जॉर्ब हो गया इसका कोई दिक्कत नहीं हुआ या ट्यूबल मोल एबॉर्सन हो जाता है एबॉर्सन होगा तो क्या होगा जो इसके फिमरे लिड रहते हैं वहाँ से ही जो ट्यूब्स के ये फिमरे लिड होते हैं जो आ, पेल्विक रीजन पेल्विक साइड में होता है वहाँ से क्या होता है ये मोल बना हुआ ये यहाँ से एबॉर्ट होकर बाहर आ गया तो यहाँ पेल्विक हेमाटोमा बना देगा या फिर ट्यूबल एबॉर्सन ट्यूबल एबॉर्सन है कंप्लीट इनकम्प्लीट हो सकता है तो ट्यूब एबॉर्शन जैसे कम्प्लीट मतलब पूरी तरह से बाहर निकल गया या थोड़ा सा इनकम्प्लीट में क्या है थोड़ा सा ट्यूब में रह गया और ब्लीडिंग लगातार कर रहा है तो जो कम्प्लीट हो गया पेल्विक हिमाटोमा बनाएगा इनकम्प्लीट है तो इंट्रापेटोनियल हेमरेज करेगा या ट्यूबल रप्चर है ट्यूब में अंदर ग्रो कर रहा है पूरा ग्रो ट्यूब इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया तो क्या हो वहाँ से रप्चर हो गया तो अगर रूफ अपर के साइड में अगर वो रप्चर हुआ है तो वो इंटरापेटोनियल हेमरेज बनाता है अगर फ्लोर पे हुआ है तो फ्लोर पे क्या होता है जो ब्रॉड लिगामेंट होता है ये यूट्रस है यूट्रस के दोनों साइड में ऐसे ब्रॉड लिगामेंट रहते हैं तो अगर ये रूप साइड में फ्लोर साइड में अगर ये रप्चर होता है ट्यूब तो क्या करता है इंट्रा लिगामेंट्री हिमाटोमा जो ब्रॉड लिगामेंट है वहाँ पर हीमाटोमा बनाता है या ट्यूबल परफोरेशन हो जाए तो अगर रूप के साइड में है तो तो उधर सेकेंडरी एबडामनल प्रेगनेंसी बनाता है और अगर फ्लोर साइड में है तो इंट्रा लिगामेंट्री जो ब्रॉड लिगामेंट में यहाँ पे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है या रेयरेस्ट कंडीशन में रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है फेलोपियन ट्यूब की वो ग्रो कर जाती है कंटिन्यूशन होती है प्रेगनेंसी की नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहाँ तीन दिक्कन टाइप के फीचर्स होते हैं एक तो है एक्यूट 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 मतलब ट्यूब रप्चर हो गया है एबन हो गया बहुत मैसिव ब्लीडिंग हो रही है एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन या अनरप्चर्ड मतलब उसमें ट्यूब फिलिप जब नॉर्मल किसी और चीज़ के लिए डायग्नोस कर रहे हैं उसमें या पता चल गया कि हाँ यहाँ पे एक टॉपिक प्रेगनेंसी है लेकिन वो रप्चर नहीं हुआ नॉर्मल उसी में पड़ा हुआ या फिर सब एक्यूट या क्रोनिक या ओल्ड कुछ दिन का पड़ा हुआ है उसके तीनों के क्लिनिकल फीचर्स अलग अलग होते हैं फर्स्ट जो है एक, एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसमें एक्यूट ऑनसेट रहता है ठीक है इसमें क्या होता है जनरली सिम्टम अपियर्स होने से पहले वन थर्ड केसेस में परिस परसिस्टेंट यूनिलैटरल अनइजीनेस एक साइड एबडोमिन के एक साइड में उसको लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है अनइजीनेस सा फील होगा इसमें सिम्टम्स मिलते हैं क्लासिकल ट्रायड ऑफ द डिस्टर्ब ट्यूबल प्रेगनेंसी क्लासिकल ट्रायड तीन सिम्टम्स मिलते हैं एमिनोरिया सिक्स टू एट वीक्स की जनरली एमिनोरिया होती है उसके बाद क्या होता है एबडामनल पेन एक्यूट एबडामनल पेन एगोनाइजिंग या कोलिकी पेन होने लगता है और एम्यनोरिया तो है सिक्स एट वीक की क्या होता है उसमें वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और इसके साथ साथ मे भी डेसीडल कास्ट भी उसका एक्सपल्सन हो तो ये तीन सिम्टम एमिनोरिया एबडामनल पेन एंड वेजाइनल ब्लीडिंग ये क्लासिकल ट्राइड है ये सिम्टम्स मिलते हैं एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इसके साथ साथ नोजिया वोमटिंग फेंटिंग अटैक मतलब पूरा मूर्छा आने तक उसको ऐसी दिक्कत होती है सिंकोपल अटैक क्यों होता है ये पेक्यूलियर टू एक्टोपिक है ड्यू टू द रिफ्लेक्स वैसोमोटर डिस्टर्बेंस बाय इरिटेशन ऑफ द पेरिटोनियम बाय द ब्लड एग्जामिनेशन में पेशेंट का लुक होता है क्वाइट और कॉन्शियस रहता है बहुत पर्सपायर पसीने बहुत रहते हैं लुक्स ब्लेंस्ड वो पूरा पेल दिखता है शॉक की वजह से फीचर ऑफ़ सॉक्स जैसे रैपिड और फीबल पल्स बीपी फी फाल कर जाता है और जो एक्सट्रीमिटीज होती है कोल्ड एंड काम ही ठंडे पड़ जाते हैं उसके एक्सट्रीमिटीज़ और एबडामिनल एग्जामिनेशन में टें ट्यूमिड एंड टेंडर मिलता है अगर एक्डामिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो और जनरली कोई मांस फेल्ट नहीं होता है मसल गार्ड यूजुअली एबसेंट होता है और वेजाइनल एग्जामिनेशन में क्या मिलते हैं ब्लेंसड वाइट वेजाइनल म्यूकोशा मिलती है एक्सट्रीम टेंडर फॉर्निंग्स फॉर्निंग्स में अगर आप पीवी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टेंडरनेस मिलेगा पेशेंट को बहुत पेन होगा और ऐसा लगेगा कि यूट्रस फ्लोट कर रहा है पानी के अंदर में क्योंकि वहाँ पर ब्लीडिंग रहती है बहुत ज़्यादा तो यूट्रस लगता है कि फ्लोट कर रहा है इन वाटर अब ये अनरप्चर्ड जो अनरप्चर्ड है जो रप्चर नहीं हुआ एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसमें भी क्लेसिकल ट्रायड जो आपका एम्यूनोरिया एबडामिनल पेन और ब्लीडिंग पी वी मिलता है वो मिलता है उसके साथ साथ पर, पर वेजैनल एग्जामिनेशन में पल्सेटाइल वेल सर्कमसाइज टेंडर मास फेल टू द वन फर्निक्स एक फॉर्निक्स से कुछ ऐसे मास जो कि यूट्रस से अलग सेपरेट दिखेगा परैनल वे, पर जब पी वी करते हैं वैसे एग्जामिनेशन में अब जब क्रोनिक या ओल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसमें भी क्लासिकल क्ले, ट्राइड ऑफ सिम्टम्स जो तीन सिम्टम्स है वो मिलता है प्लस इसमें क्या होता है सॉक के फीचर जो है वो पूरे एबसेंट होते हैं पर वे जनरल एग्जामिनेशन में टेंडरनेस मसल गार्ड एंड मास टेंडर एंड इरेगुलर मास फील होता है इसमें एक होता है कूलन साइंस इसमें क्या होता है डार्क ब्लूज सराउंडिंग द अम्बलाइकस ये होता है कूलन साइन डार्क ब्लूज सराउंडिंग अम्ब्लाइकस ऐसे मिलता है ये क्योंकि ये सजेस्ट करता है इंट्रा पेरिटोनियल हेमरेज जो पेरिटोनियल हेमरेज है उसमें ऐसे साइन मिल सकते हैं पर वे जनल एग्जामिशन में इल डिफाइंड बोगी एंड एक्सट्रीमली टेंडर मास फेल्ट टू द पोस्टीरो लैटरल फॉरनिक्स एक्सटेंडेड टू तो पाउच ऑफ डगलस जब पीवी एग्जामिनेशन करते हैं तो वहाँ तक जाता ही है पाउच ऑफ डगलस तक पूरा फील हो जाता है नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन तो इन्वेस्टिगेशन में ब्लड एग्जामिनेशन रूटीन जो करते हैं वो करवाएंगे कल्डोसेंटेसिस कल्डोसेंटेसिस क्या होता है इसमें जो लम्बर पंक्चर निडिल होता है उस लंबर पंक्चर निडिल एटीन गैस का उसको लेके उसको आ, सिरिंज के सिरिंज के साथ पंक्चर करते हैं पोस्टॉर्निक से उसमें जो एस्पिरेशन करते हैं उसमें एस्पिरेट करते हैं अगर उसमें नॉन क्लॉटिंग ब्लड आ जाता है फ्रॉम पाउच ऑफ डगलस से तो इसका मतलब है कि इंट्रापेरिटोनियल ब्लड का कलेक्शन हुआ है तो इससे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी क्या हो जाता है फिर या तो फिर बीटा एच सी जी एस्टिमेशन नॉर्मल प्रेगनेंसी नॉर्मल जो इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी उसमें क्या होता है डबल टू डे दो दिन में वो डबल हो जाता है बिटाएचसी जी बट जब एक टॉपिक प्रेगनेंसी होता है तो कंसेंट्रेशन लोअर होता है वो दो दिन में डबल नहीं हो जाता कमी हो रह पाता है या ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में देखेंगे तो इसमें आपको इंट्राइट्राइन प्रेगनेंसी वो एबसेंट यूट्रस के कैविटी पूरा खाली मिलेगा पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड मिलेगा और एडनेक्सल मास जो साइड में वहाँ पे क्लियरली सेपरेटेड फ्रॉम द ओवेरी से अलग और यूट्रस से अलग एक कुछ एडनेक्सल मास मिलेगा जब कलर डॉपलो सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें प्लेसेंटल सेप रिंग ऑफ फायर जैसे आग का गोला जैसे ये है आग के गोले जैसा पैटर्न में दिखता है और ब्लड फ्लो आउटसाइड यूट्राइन कैविटी मतलब कलर हम देखेंगे तो क्योंकि प्रेगनेंसी तो यूट्रस में है नहीं तो जहाँ पे है बाहर में ट्यूब में वहाँ पे ही ब्लड फ्लो दिखता है सीरम प्रोजेस्टान लेवल सीरम प्रोजेस्टान लेवल करने पे जो नॉर्मल वायबल इंट्रा यूट्रैन प्रेगनेंसी होता है उसमें मोर देन ट्वेंटी फाइव नैनोग्राम पर एम एल रहता है बट एक्टोपिक या एबनॉर्मल प्रेगनेंसी में जो है जो एक्टोपिक या एबनॉर्मल इंट्राटोन प्रेगनेंसी वहाँ पे लेस देन फाइव नैनोग्राम पर एम मिलता है लैप्रोस्कोपिक अगर एग्जामिनेशन करते हैं बट लेप्रोस्कोपिक के लिए क्या होना पेशेंट पहले हीमोडा स्टेबल होना चाहिए तभी कर सकते हैं तो उसमें डायरेक्ट कन्फर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस हो जाता है और सेम टाइम आप उसको एक्टोपिक मास को रिमूव भी कर सकते हैं या फिर लैप्रोस्कोपिकली देख के जो कीमोथिरोपेटिक एजेंमीथोट्रेक्सेट या कुछ ऐसा है उसको एक्टोपिक मास में डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं जो उसका मेडिकल मैनेजमेंट होता है उसकी वजह से वो ख़त्म हो जाता है या लेप्रोटॉमी कर रहे हैं डायरेक्ट ओपन कर रहे हैं फिर देख रहे हैं वहाँ पे फिर उसका साथ में मैनेजमेंट भी कर रहे हैं अब मैनेजमेंट देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसे बताइए इमरजेंसी कंडीशन होती है तो इमरजेंसी कंडीशन में हमें क्या इसका है प्रिंसिपल की रिसन एंड गे लैप्रोटॉमी ऐसा नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन पहले करो रहे बाद में लेप्रोटोमी नहीं दोनों साथ में करना एंड हैप्रोटोमी साथ साथ करना तो है तो रिसन एंड लेप्रोटोमी में क्या करना पहले तो उसको एंटी सॉक ट्रीटमेंट देना है फिर साथ साथ में अर्जेंट लेप्रोटोमी की मतलब जो भी जहाँ से रप्चर हुआ है रजिस्ट्रेशन करते रहेंगे उसको शॉक जो है उसका मतलब शॉक को हटाएंगे वैसा ट्रीटमेंट देंगे प्लस उसको अर्जेंट लेप्रोटामी जो है ट्यूब जो हाँ से रप्चर हुआ उसको हटा उसको ट्रीट करना है रिंगर लैक्टेट सल्यूशन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन जितनी जैसे क्योंकि इसमें क्या होता है हिमरेज एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो नॉर्मली इसमें ब्लड कम पड़ जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन पड़ती ही ज़रूरत अगर इमरजेंसी में इमिडिएटली ट्रीटमेंट कर दिया तो पेशेंट बच जाती है अगर बहुत देर तक छोड़ दिया तो हो सकता है पेशेंट बचे भी ना और ये सब रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ लैप्रोटोमी जो रप्चर ट्यूब है उसको सेल्पिंगटोमी मतलब उसको काट के निकाल देते हैं नेक्स्ट है जो अनरप्चर्ड है जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो है बट रप्चर्ड नहीं है तो उसमें क्या करते हैं एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल तो मतलब वेट एंड वॉच वाला है अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे एच जी टाइटर फॉलिंग है एक्टोपिक मास की डायमीटर लेस देन फोर सेंटीमीटर है और ब्लीडिंग या रप्चर का कोई साइन नहीं है तो उसमें वेट कर सकते हैं जैसे बताया ना कंप्लीट एबॉर्सन हो जाता है उसमें तो स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन या पूरा रीअब्जॉर्ब हो जाता है तो वन थर्ड केसेस में ऐसा होता है लेकिन इसका भी हमको मॉनिटर करते रहना है मेडिकल ट्रीटमेंट है जो लेप्टोस्कोपिकली या यूएसजी गाइडेड उसकी हेल्प की वजह से जहाँ पे है डायरेक्ट वहीं पे जो कीमोटैक्सिक एजेंट है मिथोट्रेक्सेट पोटेशियम क्लोराइड या प्लोस्टाक होता है इसको डायरेक्टली वहीं पे, एक एक्टोपिक प्रेगनेमास में ही इंजेक्ट कर देते हैं या सिस्टेमेटिकली मिथोट्रेक्स ट्रेक्सेट एक्टिनोमाइसिन का इंजेक्शन दे देते हैं या फिर सर्जरी करते हैं लेप्रोस्कोपिक लेप्रोटोमी या माइक्रो सर्जरी ये करते हैं तो इसमें दो तरह के एक्सपर्ट एक्सटरपेटिव है या कंजर्वेटिव तो एक्सपर्ट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रपेटिव में क्या है जैसे हमें ज़रूरत नहीं है अब आगे तो वहाँ पे ट्यूब को काट के निकाल देते कंजर्वेटिव मतलब जहाँ पे हमको ज़रूरत है बाद में कि बच्चा चाहिए और तो उसमें क्या करते हैं कि अलग अलग तरीका है कंजरवेटिव या तो सेल्पिन जो स्टॉमी करते हैं सेल्पिन जो टॉमी करते हैं, हैं सेगमेंटल रिसेक्शन मतलब छोटा पार्ट जहाँ पे दिक्कत तो वहाँ काट के फिर जो बच्चे पार्ट है उसको रिसे मतलब रोज जोड़ देते हैं इन सब के बाद जो बीटा एच है उसको फॉलो uh, उसका करते रहना है तो ये स्टूडेंट आपका एक टॉपिक प्रेगनेंसी कंप्लीट होता है यहाँ पे इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू